दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस अगर आप परेशान हो रियलमी 7 प्रो के अंदर फास्ट चार्जिंग को लेकर कि भाई उसकी 65 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है उसकी वजह से आपका फोन जो है वो 40 मिनट से नीचे चार्ज नहीं कर रहा है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियलमी 7 प्रो के अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो इतनी कम क्यों हो गई है काफी डिवाइसेस के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Realme 7 Pro के अंदर चार्जिंग स्पीड हमें कितनी देखने को मिलती है। तो 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड हमें Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिलती है और ये एक बड़ा खतरनाक मूव था Realme का कि अंडर 20,000 के अंदर आपको 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने को हमें मिलती थी और ये मेन यूएसपी था Realme 7 Pro के बिकने का। 38 मिनट जो है वो Realme ब्रांड जो है वो क्लेम करता है कि 0 to 100% जो है ये 38 मिनट में चार्ज हो जाता है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट किया होगा वो एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में किया होगा जिसके अंदर वही टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, नेटवर्क नहीं होगा या कुछ भी है, मतलब वो उन्होंने अपने तरीके से कराया क्योंकि लैब के अंदर अगर टेस्ट किया गया तो वहां पर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होता है। लेकिन अगर जब बात आती है सारे यूजर्स के लिए भाई कि अब ऐसा तो है नहीं कि भी हर बंदे के पास कंट्रोल एनवायरमेंट होगा, किसी के घर का एम्बियंट टेम्परेचर 30 डिग्री भी हो सकता है, किसी के घर का एम्बियंट टेम्परेचर 18 डिग्री भी हो सकता है, किसी का माइनस में भी हो सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर माइनस में भी टेम्परेचर मिलता है और उसके बाद किसी के घर में 40 प्लस डिग्री का भी टेम्परेचर हो सकता है। तो गाइस यहां पर सबसे पहला रीजन तो यही निकल कर आ जाता है कि अगर आपके फोन की चार्जिंग स्पीड कम हो रही है, 10 मिनट से ज्यादा ले रहा है, तो गाइस यहां पर सबसे पहली बात है कि भाई आपका एम्बियंट टेम्परेचर कितना है आपको वो ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं C.22 अपडेट की। तो गाइस इसके अंदर इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो सच में इम्प्रूव हुई है, ये मैं खुद कह रहा हूं क्योंकि मेरे को सच में लगा है कि चार्जिंग स्पीड इम्प्रूव हुई है और मैंने पोल क्रिएट किया था चार्जिंग स्पीड को लेकर, तो उसका रिजल्ट आप यहां पर देख पा रहे हो, तो उससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या फिर मतलब ऐसी है। बट फिर भी काफी सारे लोग हैं जिनका फोन जो है वो अभी भी 50 प्लस मतलब टाइम ले रहा चार्जिंग में। तो भाई यहां पर सबसे पहले तो रीजन जो है वो यही है कि इसका एम्बियंट टेम्परेचर आपके आसपास का देख लेना कि एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, अगर ज्यादा आ रहा है उसकी वजह से ही फोन को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है और अगर माइनस में है 1-2 डिग्री है तब भी ज्यादा टाइम लगेगा चार्जिंग होने में। तो एक प्रॉपर जो कंट्रोल टेम्परेचर होता है अगर उस पर अगर आप चार्ज करोगे तो आपका फोन बहुत बढ़िया स्पीड से चार्ज हो जाएगा C.22 के अपडेट में। और वहीं बात की जाए सेकंड रीजन की, तो गाइस यहां पर सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो सेकंड रीजन होता है। उसके बाद आई थिंक कईयों में A.39 है तो हो सकता है उनके फोन के अंदर चार्जिंग स्पीड जो है वो अलग देखने को मिले आपको चार्जिंग टाइम जो है, और C.22 वालों को अलग चार्जिंग टाइम देखने को मिले। तो ये जो है ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर वर्जन्स पर भी। उसके बाद एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो करता है इलेक्ट्रिसिटी और उसकी फ्लक्चुएशंस, ये गाइस सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब जरूरी नहीं है कि 230 वोल्ट है तो सबके घर में ही 230 वोल्ट आ रहे होंगे क्योंकि मेरे घर में भी कभी कभी 170-175 वोल्ट तक वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाती है, तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि चार्जर के अंदर कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता कि भाई 230 अगर नहीं आ रही मेन बोर्ड से तो वो खुद 230 को बना दे, तो ऐसा कुछ उसके अंदर इतना पावरफुल नहीं होता। हाँ हल्का फुल्का कैपेसिटर्स उसके अंदर लगे होते हैं लेकिन जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होती हैं उससे चार्जिंग स्पीड पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेजर एक रीजन और हो सकता है, वो हो सकता है आपके चार्जर या आपकी चार्जिंग केबल के अंदर कुछ खराबी हो सकती है या फिर आपके चार्जिंग पोर्ट है जो फोन का उसके अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, तो यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप पहले एक स्टेबलाइजर ले सकते हो, उसके अंदर 230 वोल्ट को स्टेबल करके तब आप एक बार चार्जिंग टेस्ट कर सकते हो। अगर तब बिल्कुल एकदम जेन्युइन आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि भाई आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम है, बोर्ड के अंदर भी हो सकती है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। अगर बात की जाए चार्जर की भी, चार्जर के अंदर कुछ इशू है, डाटा केबल के अंदर कुछ इशू है, तो यहां पर भी आप इसे टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको कोई दूसरा चार्जर ट्राई करना है, लाइक 65 वॉट का कोई और अगर आपको कहीं मिल जाता है चार्जर तो आप वो ट्राई कर सकते हो। और गाइज यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इस चार्जर के साथ जो डाटा केबल आपको मिलती है आपको अपना फोन उसी डाटा केबल से चार्ज करना चाहिए क्योंकि वो 6.5 एम्पियर सपोर्ट करती है।
और हर डाटा केबल इतना वोल्टेज नहीं सपोर्ट कर सकती, मैक्सिमम 3.1 एम्प तक सपोर्ट करती हैं नॉर्मल जो डाटा केबल होती हैं, और नॉर्मल जो 100-150 रुपए वाली आती हैं वो तो 2.1 एम्प तक ही रहती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में आपने 65 वोल्ट के चार्जर के अंदर 2.1 एम्प की डाटा केबल लगा दी हो तो आपको वो चार्जिंग स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आपके फोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो कम आ रही है। तो यहां पर अगर आपका चार्जर भी ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस भी ठीक है और सॉफ्टवेयर भी C.22 पर है बट फिर भी ये घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यहां पर आपको चेक कर लेना चाहिए आपके फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, बैकग्राउंड में कौन कौन से ज्यादा रन करते हैं, क्योंकि वो भी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आप वो भी एक बार टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिन्हें आप कवर करके अपनी चार्जिंग स्पीड के बारे में पता लगा सकते हो कि इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। और फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स जो है नीचे खुला हुआ है, तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो जहां पर मैं आपके पर्सनली रिप्लाई कर सकता हूँ डीएम के, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।